हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सभी के सामने उपस्थित हूँ अपनी जीएस सीरीज का चौथा लेक्चर लेके, जहाँ पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री का टॉपिक। अब तक हमने क्या डिस्कस कर चुके हैं? पॉलिटी का टॉपिक, पहला प्रीएम्बल, पहला दिन हमने जो पहला लेक्चर था, उसके बाद दो टॉपिक हमने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में इकोनॉमी का टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें हमने फाइव ईयर प्लान को दो लेक्चर्स में डिस्कस किया। आज हम अपनी जीएस सीरीज का चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री का टॉपिक है गवर्नर जनरल्स एंड वाइसराय ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बनता ही बनता है कि गवर्नर जनरल कौन था और उस समय कौन कौन से इवेंट्स हुए, वो हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम इन क्वेश्चंस को इससे रिलेटेड देखेंगे। तो बिना देरी किए आज स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे साथ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए इस सीरीज में कर पाएं। तो एसएससी और बनडे एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको, अगर उसको अपडेट रहना है तो हमारे चैनल को एसएसआरबी को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हो, जिसपे एसएससी एग्जाम्स और बनडे एग्जाम्स के ऑल प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। क्लियर है? ये हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ फ्री टेस्ट हैं आरबी की वेबसाइट पर। फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट सीरीज होती हैं, वो हजारों टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बैचेज हैं हमारे जिससे आप जुड़ सकते हो। ऑफिसर्स बैच, जिसमें हम मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ जो लोग इससे बैच से जुड़ जाते हैं उनके लिए डेली टारगेट ग्रुप स्टार्ट होता है, जिसमें डेली टास्क दिया जाता है हमारी टीम की तरफ से, जो जिससे आपकी तैयारी और स्ट्रांग होती है और स्ट्रेंथन होती है। ये चीज़ें ऑफिसर्स बैच में सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं इसमें। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग बैच भी हैं, जैसे शुभम सर का द्रोणाचार्य बैच है मैथ के लिए, ऐसे अलग अलग जीएस और जीके के लिए, रीजनिंग के लिए भी अलग अलग बैचेस भी अवेलेबल है। ये हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में आपको करंट अफेयर्स की, स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों की ई बुक आपको अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, आपको पता है सबसे पहले जो गवर्नर भारत में आया, ब्रिटिश गवर्नर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है, हम किसी दिन एक टॉपिक लेंगे, पहले पुर्तगीज आएंगे उसके बाद डच आएंगे। तो आपको पता है सबसे पहले पुर्तगाली आए इंडिया में, पुर्तगालियों के बाद डच आए। डच मतलब जो हॉलैंड या नीदरलैंड के हैं। डच के बाद ब्रिटिश आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी में। ब्रिटिशर्स के बाद डेनिश आते हैं, डेनमार्क के, और सबसे लास्ट में फ्रेंच आते हैं, फ्रांस के आते हैं, फ्रांस की कंपनी आती है। भारत में व्यापार करना इनका उद्देश्य था और बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन को भी स्टैब्लिश कर दिया। पर्पज पहले शुरुआत में आने का क्या था इनका? भारत में व्यापार करना, क्योंकि भारत, आपने सुना होगा, हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया का मतलब है कि भारत में संपन्नता थी बहुत, हम विदेशियों पर निर्भर नहीं थे, विदेशी हम पर निर्भर थे। यूरोपियंस आते थे, यहां से सामान खरीद के ले जाते थे, मतलब हम एक्सपोर्टर थे, इंपोर्टर नहीं थे। हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड थी बहुत उपजाऊ थी, बहुत प्रोडक्शन होता था, सरप्लस प्रोडक्शन रहता था। क्लियर है? साथ ही साथ भारत में कुटीर उद्योग, घर घर में स्मॉल इंडस्ट्री लगी हुई थी, ब्लेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री लगी हुई थी, ग्रामीण कुटीर उद्योग लगे हुए थे, बहुत बड़े पैमाने पर हम प्रोडक्शन करते थे। इसीलिए भारत को क्या बोला जाता है, हमारे देश को सोने की चिड़िया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हम आज डिस्कस कर रहे हैं भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल। तो आपको पता है प्लासी का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, 1757 का प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। तो वो उस समय कौन था गवर्नर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का? आपको पता है, क्लाइव। तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव। इसका टाइम पीरियड 1757 से 60 तक। क्लियर है? 60 के बाद बेंसिटाट आ गया, लेकिन वापस लौटा ये 65 से 67 में। तो 1757 से 60 तक रहा ये गवर्नर, मतलब कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी, और उसके बाद 1765 से 67, इसके टाइम में क्या क्या हुआ? तो चूंकि ये पहला अधिकारी था तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल इसे बोला जाता है। बंगाल का पहला गवर्नर था ये। दूसरा, इसको फाउंडर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शासन का, सत्ता का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगला,
अगला क्वेश्चन होता है कि बैटल ऑफ प्लासी के समय गवर्नर कौन था, किसके समय हुई, बैटल ऑफ प्लासी को लीड किसने किया, तो यही था बैटल ऑफ प्लासी को लीड करने वाला, प्लासी के युद्ध के टाइम में गवर्नर यही था, क्लियर है। तीसरा, अगला, प्लासी के युद्ध के बाद आपको पता है प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ, अंग्रेजी सेना के बीच में, अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब सिराजुद्दौला, जो उस समय बंगाल का नवाब था, नवाब सिराजुद्दौला। और आपने एक बहुत बड़ा बहुत टर्म सुना होगा मीर जाफर, कि भाई मीर जाफर मत बन, मीर जाफर इस नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसका सेनापति था, उसका मिलिट्री का हेड था, और वो जाके किससे मिल जाता है, अंग्रेजों से मिल जाता है। और जब उसका नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति ही अंग्रेजों से मिल गया तो इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला हार जाता है, मतलब बंगाल के नवाब की हार हो जाती है, और ब्रिटिश मतलब अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाते हैं, और यहाँ से माना जाता है कि ब्रिटिश सत्ता की भारत में स्थापना शुरू हो गई, अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया यहाँ से। तो 1757 का प्लासी का युद्ध, एक क्वेश्चन और पूछता है, 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ उस समय भारत जो जो मुगल सम्राट था वो कौन था, तो इस समय मुगल सम्राट था, मैं यहां पे लिख देता हूं, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर सेकंड। ये उस समय जो 1754 से 58 तक रहेगा, आलमगीर सेकंड। तो ये अगर क्वेश्चन पूछे प्लासी के युद्ध के समय भारत में ब्रिटिश सॉरी मुगल सम्राट कौन था, उस समय मुगल एम्परर कौन था, आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड जो 1754 से 58 तक रहा, इससे पहले आपको पता है मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से कौन रहे, इससे पहले आलमगीर सेकंड से पहले अहमद शाह रहेगा, और अहमद शाह से पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, इससे पहले कौन था मुगल सम्राट, अहमद शाह, क्लियर है। 1749 से 54 तक अहमद शाह रहेगा, और अहमद शाह से पहले आपने बहुत फेमस सुना होगा 1748 से 54 तक, और उससे पहले मोहम्मद शाह रंगीला, मैं यहां पे हटा के लिख देता हूं थोड़ा सा, अहमद शाह 1748 से 54, और उससे पहले था मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला उसको उपाधि दी गई थी, मोहम्मद शाह रंगीला, मतलब एक रंगीन मिजाज का मुगल एम्पायर था, एम्परर था, शासक था, मुगल सम्राट था 1719 से 48 तक, तो मोहम्मद शाह रंगीला, क्लियर है। ब्रिटिश के बाद यहां पे मैंने लिखा था कौन आया, डेनिस आया, और डेनिस के बाद फ्रांसीसी आए, ये ऑर्डर था आने का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था तो मुगल सम्राट कौन था, आलमगीर सेकंड, और इसके बाद 59 से कौन आएगा, शाह आलम द्वितीय आएगा, इसके बाद कौन आएगा, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड, जो 1759 से 1806 तक रहेगा, शाह आलम द्वितीय, क्लियर है। तो ये मुगल सम्राट हैं, मुगल एम्परर हैं जो इस टाइम हुआ, तो क्वेश्चन पूछ सकता है प्लासी का युद्ध, क्लियर है। प्लासी के युद्ध के बाद इसी के समय होगा, आगे चल के इस वायसराय जो है ये वापस चला जाएगा, सॉरी वायसराय कह नहीं, गवर्नर कहा जाता था इसे, गवर्नर ऑफ बंगाल, जो 1760 में वापस चला जाएगा। 1760 में नेक्स्ट गवर्नर आएगा वेंस्टीटाट, कौन सा आएगा, तो इसके समय पे पहले देख लेते हैं क्या क्या हुआ। ये जो टाइम पीरियड है इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसके समय में जो चीजें हुई हैं उसको हम एक बार इसको देख लेते हैं। 1760 में 60 से 64 तक रहेगा वेंस्टीटाट, क्लियर है। और इस समय अब होगा क्या, जब नवाब सिराजुद्दौला हार जाएगा तो फिर बंगाल का नवाब बनेगा मीर जाफर, क्योंकि अंग्रेजों का उसने साथ दिया, और मीर जाफर 1760 में हटा दिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, फिर बनाया जाएगा मीर कासिम। तो वेंस्टीटाट जब आया तो बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम। वेंस्टीटाट 1760 से 64 तक रहा। इसके समय में भी क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट,
बैटल ऑफ बक्सर 1764 किसके बीच में, एक तरफ था अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सामने था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे रहा। अब होगा क्या, मीर कासिम नवाब बनेगा बंगाल का, लेकिन मीर कासिम को भी फिर क्या कर देंगे, हटा देंगे और वापस मीर जाफर को फिर से नवाब बना देंगे। तो अंग्रेजों का साथ दे रहा था उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर, तो अंग्रेज प्लस मीर जाफर, और सामने था जो भगोड़ा नवाब था जिसका नाम था बंगाल के भगोड़ा नवाब का, जो भाग गया था मीर कासिम, अंग्रेजों ने उसे हटा के भगा दिया था मीर कासिम। और ये अवध के नवाब नवाब शुजाउद्दौला का साथ लेगा, नवाब शुजाउद्दौला, और नवाब शुजाउद्दौला के साथ साथ इस समय जो जो मुगल सम्राट होगा उसका नाम क्या है, शाह आलम द्वितीय। तो ये वाला युद्ध पूछा जा चुका है कई एग्जाम में कि भैया बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ, 1764 में हुआ, सामने था अंग्रेज और मीर जाफर एक साथ थे बंगाल का नवाब, और यहां पर जो भगोड़ा नवाब था जो भाग गया था अंग्रेजों ने भगा दिया था जिसे, मीर कासिम, अवध का नवाब, नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध माना जाता है क्योंकि ये माना जाता है बैटल ऑफ प्लासी तो अंग्रेजों ने धोखे से जीता था, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला जो था उस समय उसके सेनापति, उसका जो आर्मी चीफ था उसी को अपने पक्ष में शामिल कर दिया, षड्यंत्र रचा था। लेकिन ये अंग्रेज और मीर जाफर आम के सेना मिलके आमने सामने लड़ रही है इन तीनों सेनाओं से, और यहाँ पर कोई षड्यंत्र नहीं था, आमने सामने का बैटल था, इसीलिए माना जाता है ये निर्णायक था, ये डिसाइडिंग युद्ध था, और यहाँ से ब्रिटिश शासन की एस्टेब्लिशमेंट शुरू हो जाएगा। तो बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर किसके टाइम में हुआ, बेंसी टाट के टाइम में हुआ, याद रखना है। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन है, इस समय बंगाल का गवर्नर कौन है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर बेंसी टाट और प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर क्लाइव, क्लियर है। दूसरा, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल, सॉरी बंगाल का गवर्नर, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब, तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर था, जो अंग्रेजों का साथ दे रहा था, नीचे लिखा है मैंने। और प्लासी के युद्ध के समय 1757 में बंगाल का नवाब, नवाब सिराजुद्दौला, क्लियर है। वापस आते हैं पीछे, वापस इसके बाद कौन आएगा, देखो इसके बाद देखो कौन आएगा, 64 के बाद फिर से 65 में कौन आ जाएगा, वापस आ जाएगा क्लाइव, वापस आएगा बक्सर के युद्ध के बाद, जो ट्रिटी होगी आपस में, संधि होगी, समझौता होगा, युद्ध रोका जाएगा, उसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि के समय कौन बन जाएगा गवर्नर बंगाल का, कौन आ जाएगा वापस, क्लाइव। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इलाहाबाद की संधि के समय कौन था और बक्सर के युद्ध के समय कौन गवर्नर था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बक्सर के युद्ध के समय बेंसी टाट था, और इलाहाबाद की संधि कौन करेगा आके 1765 में, रॉबर्ट क्लाइव। तो देखिए ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है पहली और दूसरी, पहली ट्रिटी इलाहाबाद की और दूसरी, पहली ट्रिटी इलाहाबाद की होगी अंग्रेजों के साथ, मतलब रॉबर्ट क्लाइव, और सामने होगा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और दूसरी ट्रिटी किसके साथ होगी, इलाहाबाद की दूसरी सेकेंड ट्रिटी 1765 में, रॉबर्ट क्लाइव और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे पूछता है, जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो बंगाल का गवर्नर कौन था, बेंसी टाट, और जब इलाहाबाद की संधि हो रही थी तो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर, और जब इलाहाबाद की संधि होगी 1765 में, तो 1764 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाएगी, तो इलाहाबाद की संधि के समय, इलाहाबाद की संधि के समय 1765 में बंगाल का नवाब, उसका लड़का, मीर जाफर का लड़का जिसका नाम था नजमुद्दौला, नाम क्या है, नजमुद्दौला, नाबालिग लड़का था जिसको अंग्रेजों ने बिठाल दिया, नाम था नजमुद्दौला। तो बंगाल का नवाब इलाहाबाद की संधि के समय कौन है, नजमुद्दौला, और बक्सर के युद्ध के समय इसका पिता मीर जाफर। अगला, जैसे ही बंगाल का नवाब नजमुद्दौला बनेगा, चूंकि ये नाबालिग था
इसे कुछ नहीं आता था, बस अंग्रेजों ने बिठाल दिया था, दिखावे के लिए इसे बिठाल दिया था, शासन अंग्रेज कर रहे थे। जिम्मेदारी बंगाल के नवाब नजमुद्दौला को दे दी गई और सारी शक्तियां सारे रिसोर्सेज अंग्रेजों ने खुद ले लिए। इसी को कहते हैं डायार्की मतलब द्वैध शासन। तो बंगाल में 1765 से शुरू हो जाता है क्या, द्वैध शासन डायार्की। 1765 से 1772 तक चलेगा, जब वॉरेन हेस्टिंग आएगा तब तक चलेगा। क्लियर है? तो बंगाल में द्वैध शासन का जनक कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। किस संधि के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल के नवाब नजमुद्दौला को बिठाएगा। जो बच्चा था, नाबालिग था, दिखावे के लिए नवाब था, लेकिन पीछे से शासन सरकार कौन कब चला रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव चला रहा था। तो यहां से बोला जाएगा कि फादर ऑफ डायार्की इन बंगाल, बंगाल में द्वैध शासन का जनक था रॉबर्ट क्लाइव, जो 65 से 72 तक चलेगा जब तक वॉरेन हेस्टिंग नहीं आएगा। अगला, इसने 3 सेंटर्स बनाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के, एक अलाहाबाद में जो आज प्रयागराज है, दूसरा मुंगेर में जो बिहार में, और तीसरा बांकीपुर जो वेस्ट बंगाल में है। अगला, इस समय मैंने पहले ही बोला, इस समय जो पहले, जब चूंकि इस वाले टाइम पीरियड में ब्रिटिश जब ये गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, उस समय आलमगीर द्वितीय क्या था, मुगल सम्राट था। तो मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने इसको कौन सी उपाधि दी थी भैया, उमरा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, रॉबर्ट क्लाइव को उमरा की उपाधि दी थी। देखो आलमगीर सेकेंड का टाइम पीरियड 54 से 58 है, और ये पहली बार में आया था 57 से 60 तक। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद इसको मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने उमरा की उपाधि दी थी। तो ये हो गया वापस। चलिए बेंसी टाट के बाद 65 में वापस आ जाएगा कौन, रॉबर्ट क्लाइव। अब 65 से ये 67 तक रहेगा। क्लियर है? लेकिन वापस 67 से अगला चलते हैं, ये क्या है, कर्टियर। इसके बाद कौन है, कर्टियर 69 से 72। लेकिन ध्यान रखना, बीच में एक और गवर्नर आया जिसका नाम था वेरलेस्ट, मैं लिख दे रहा हूं, जिसके टाइम में बहुत कुछ हुआ नहीं इसीलिए उसको याद नहीं रखा जाता है, किताबों में लिखा भी नहीं होता है। लेकिन ऑर्डर अगर देखना हो तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव 1757 से, क्लाइव रहा 1757 से 60, क्लाइव के बाद बेंसी टाट आया 1760 से 64, वापस क्लाइव आया 1765 से 67, और क्लाइव के बाद कौन आएगा, वेरलेस्ट, बी लिख दे रहा हूं, वी 1767 से 69, और इसके बाद अब पांचवें नंबर पे आएगा कौन, कर्टियर आएगा 1769 से 72। इसके समय में 1770 में बंगाल में बहुत खतरनाक अकाल पड़ेगा। क्या पड़ेगा, अकाल। अगला बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785। तो ये क्या लेके आएगा, इसके टाइम में आएगा भैया क्या, रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए यहां पे लिखा होगा, इसके टाइम में आएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और रेगुलेटिंग एक्ट में अब तक जो हम बंगाल का गवर्नर कह रहे हैं, बंगाल का गवर्नर का जो पद था कंपनी में, अब उसे कहा जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, और लास्ट बंगाल का गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, और बंगाल का लास्ट गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा जिसमें गवर्नर, बंगाल का गवर्नर कंपनी का अब क्या बोला जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये लास्ट गवर्नर था बंगाल का और फर्स्ट गवर्नर जनरल था बंगाल का। क्लियर है? अगला, इसने ड्यूअल रूल या डायार्की, जिसको ड्यूअल रूल या डायार्की अभी बोला है, देखो यहां पे डायार्की बोला है नहीं बोला है, ये देखिए जो डायार्की, इसको क्या कर दिया, इसने खत्म कर दिया। डायार्की को, द्वैध शासन को इसने क्या कर दिया, रेगुलेटिंग एक्ट लाके खत्म कर दिया। तो मैंने टाइम पीरियड बताया था, डायार्की का टाइम पीरियड क्या था, 1765 क्लाइव ने डाला बंगाल में,
और कहाँ तक 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने खत्म कर दिया। तो द्वैत शासन की समाप्ति, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने, किस एक्ट के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अगला, इसने सुप्रीम कोर्ट में इसी एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 1774 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 74 में किस एक्ट के द्वारा हुई? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किसके टाइम में? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में। और सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कलकत्ता में कौन बना? उसका नाम था एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे। ये सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश था उस समय अंग्रेजों के टाइम में। अगला, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आएगा, और फिर 1784 का बहुत फेमस पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट किसके टाइम में आया? 1784 का, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में आया। और ये उस समय पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। और यहां पिट्स इंडिया एक्ट में बोला गया कि भैया कंपनी को चलाने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होगा। मतलब यहां से फिर से पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में द्वैत शासन, डायार्की की, ड्यूअल रूल की स्थापना हो जाएगी। लेकिन ये वाला ड्यूअल रूल क्या होगा? एक बनेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा, निदेशक मंडल होगा जो कंपनी को चलाएंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां बैठेगा? इंग्लैंड में बैठेगा, इंग्लैंड में, वहां की सरकार के लोगों का, उसी की सरकार के रिप्रेजेंटेटिव का समूह होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड। तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा फिर से द्वैत शासन ला दिया गया जो वॉरेन हेस्टिंग ने खत्म किया था, लेकिन वो द्वैत शासन अलग था और ये द्वैत शासन अलग। ये द्वैत शासन क्या है? एक होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इंग्लैंड में बैठेगा, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसमें मंत्री होंगे, और एक होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल, जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे जो इंडिया में काम करेंगे, जो कंपनी के मामले तय करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल मामले वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। तो इस तरीके से दो रूपों में दो अलग अलग पावर सेंटर हो गए, जिसको द्वैत शासन कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या हुआ? नंद कुमार को, एक भारत के स्वतंत्रता संग्रामी, है ना, स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े नायक नंद कुमार को फांसी दी गई, जिसे भारत में पहली जुडिशियल किलिंग कहा गया, फर्स्ट जुडिशियल मर्डर या जुडिशियल किलिंग। नंद कुमार जी को फांसी दी गई अंग्रेजों के द्वारा, जिसे फर्स्ट जुडिशियल किलिंग कहा जाता है। उस समय गवर्नर जनरल कौन है बंगाल का? वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इसी के टाइम पीरियड में पहला मराठा वॉर होगा। मराठा वॉर किससे होगा? अंग्रेजों से, जिसको कहते हैं आंग्ल मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर। टाइम पीरियड 1775 से 82, और जब युद्ध खत्म होगा तो संधि होगी ट्रिटी ऑफ सालवाई, सालवाई की संधि होगी युद्ध के बाद, है ना, ट्रिटी ऑफ सालवाई। तो ट्रिटी ऑफ सालवाई किससे संबंधित है? एंग्लो मराठा वॉर से संबंधित है, जो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे होगा। इसी के टाइम पे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होगा 1780 से 1784, और आपको पता है इस युद्ध में मैसूर का शासक हैदर अली मारा जाएगा। इस सेकंड एंग्लो मराठा वार में हैदर अली मारा जाएगा, और कब मारा जाएगा लिख दे रहा हूं, 1782 में। और इसके मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बनेगा टीपू सुल्तान, जिसको आप सब लोग सुना होगा टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान कब शासक बना मैसूर का? 1782 में, जब सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन मारा जाएगा? इसका जो पिता होगा हैदर अली, वो युद्ध लड़ते हुए मारा जाएगा। और इसके बाद इस युद्ध में हार होगी मैसूर की, और उसके बाद संधि होगी जिसको कहा जाता है ट्रिटी ऑफ मैंगलोर 1784। अगला, इसी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके द्वारा, लिख दे रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, विलियम जोन्स के द्वारा। उस व्यक्ति का नाम जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई, रिसर्च को बढ़ावा देने की वाली संस्था थी ये, एजुकेशन से संबंधित थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंट वायसराय, सॉरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक रहा और बाद में एक साल के लिए वापस लौट के आया 1805 में। क्लियर है, इसको कहा जाता है इसने अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को सुधारा, पुलिस रिफॉर्म्स किए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था को सुधारा, इसने पुलिस सुधार किए, इसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में उस समय, और इसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के साथ साथ इसने तीसरा जुडिशियल रिफॉर्म्स किए, न्यायिक रिफॉर्म्स किए, न्यायिक सुधार किए। तो इसको तीनों का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, फादर ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स, फादर ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया, क्योंकि ये लेके आया कॉर्नवालिस कोड 1793 में, कॉर्नवालिस संहिता, कोड मतलब सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन, है ना। तो भारत में न्यायिक सुधारों का जनक माना जाता है, मैंने तीनों का पहले ही लिख दिया। दूसरा फादर ऑफ पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी कहा जाता है इसे, क्लियर है। और इसे ये माना जाता है कि रियल फाउंडर है ब्रिटिश रूल का इंडिया में, वास्तविक संस्थापक, केवल संस्थापक किसको बोला मैंने, क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को, और इसको रियल फाउंडर बोला जाता है भारत के, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना में। इसके टाइम पीरियड में थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध होगा 1790 से 92, इस टाइम पीरियड में मैसूर का शासक कौन हुआ, टीपू सुल्तान, जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में बना था। और इसके बाद संधि होगी श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, किससे संबंधित है, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध किसके टाइम में हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ। और क्या हुआ भैया, इसने क्या इंप्लीमेंट किया, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर किसकी, इसने बोला जुडिशियल, जो जुडिशियल पावर होगी वो अलग होगी, इसने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अलग होगी, मतलब जो कलेक्टर होगा उस कलेक्टर का काम क्या होगा, कलेक्टर एक आईएएस अधिकारी जो आज के टाइम में बोला जाता है, उसका काम रेवेन्यू से संबंधित होगा, जबकि पुलिस व्यवस्था को पुलिस देखेगी। तो उसने पुलिस की पावर को अलग कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को अलग कर दिया, जुडिशियल पावर को अलग किया, इसीलिए कहा जाता है इसने सेपरेशन ऑफ पावर को लागू किया। साथ ही साथ इसने एग्रीकल्चर, कृषि जो सुधार, सुधार किसके लिए, किसके पर्सपेक्टिव में, कोई भारत में अंग्रेज वेलफेयर के लिए नहीं आए थे, अंग्रेजों का पर्पस था भारत को लूटना, तो ये सुधार कह लो वो अंग्रेजों के हिसाब से सुधार हैं, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से सुधार हैं। इनके हर एक सुधार में अंग्रेज क्या करेंगे, भारत को लूटेंगे ही, क्योंकि वो लूटने आए थे उस समय, है ना। अंग्रेजों, अंग्रेज कोई ऐसा नहीं था कि भारत में कोई अच्छा शासन करने आए थे, वो भारत को लूटने आए थे, और आपको पता होगा लूट के चले गए, भारत सोने की चिड़िया था और भारत को बिल्कुल कंगाल करके चले गए 1947 में, जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होंगे, तो आज़ादी के समय भारत बहुत गरीब हो चुका था, क्योंकि अंग्रेज सारा रिसोर्सेज, सारा पैसा, सब धन संपत्ति लूट के चल जा चुके थे। क्लियर है, तो सुधार कह सकते हो, ये अंग्रेजों को पॉइंट ऑफ व्यू से सुधार है, ध्यान रखना। तो इसने क्या किया, कृषि सुधार अपनाते हुए स्थायी बंदोबस्त, है ना, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लागू किया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट कब लागू हुआ, किसके टाइम में, कॉर्नवालिस के टाइम में 1793 में। परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत जमींदारी व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया, मतलब जमींदारों को अधिकार दे दिया गया लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करने का। जब तो जमींदारों ने सारी जमीन पे कब्जा कर लिया और किसान क्या हो गए, भूमिहीन हो गए, किसान केवल मजदूर बन के रह गए, सारा कब्जा जमींदारों का हो गया इस व्यवस्था के अंतर्गत। अगला लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कई को एग्जाम में पूछा जा चुका है, एकमात्र गवर्नर है, गवर्नर जनरल या वायसराय कुछ भी कह लो आगे जो नाम चेंज होंगे, एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय इंडिया में, इंडिया में जो आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, जिसकी समाधि, जिसकी कब्र भारत में है, भारत में कहां पर है इसकी, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, गाजीपुर यूपी भारत में है। चलो अगला आएगा क्या, 1793 से 98 तक जॉन शोर, इस समय इसके टाइम में पहला चार्टर एक्ट आया,
चार्टर एक्ट, अब ये क्वेश्चन पूछा गया, चार्टर एक्ट भारत में भारत के इतिहास में चार चार्टर एक्ट आए, कितने चार्टर एक्ट? चार। पहला 1793 में हर एक 20 साल पे आया, फिर 1813 में, फिर 1833 में और फिर 1853 में, ये चार चार्टर एक्ट आए। क्लियर है? चार्टर एक्ट थे क्या? कंपनी को 20 साल का अधिकार देते थे ये चार्टर एक्ट। देखो 20 साल के लिए कंपनी को भारत में व्यापार करने का, तो एक प्रकार से ट्रेड राइट था ये, डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रेड राइट्स, रिलेटेड टू ट्रेड राइट्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको कहते हैं चार्टर एक्ट। अगला, इसके टाइम में निजाम और मराठों के बीच में जो निजाम है आपने सुना होगा, कहां के? हैदराबाद के निजाम, निजाम उल मुल्क नाम सुना होगा, निजाम हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई होगी 1795 में। अगला, शिशुवध को रोकने के लिए, है ना, शिशुवध, क्लियर है, रोकने के लिए 1795 में इसके टाइम में क्या बनाया जाएगा? कानून बनाया जाएगा। तो शिशुवध प्रथा को खत्म किसने किया? जॉन शोर ने। तो याद रखना है, शिशुवध प्रथा को किसने खत्म किया? जॉन शोर ने। अगला, लॉर्ड बेलेजली सुना होगा, सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी ट्रिटी या अलायंस भी कहते हैं, ध्यान रखना, फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि कहते हैं, सहायक संधि आप जानते होंगे, सहायक संधि के अंतर्गत इसने क्या किया? इसने बोला राज्यों से बोला कि तुम अपने यहां हमारी सेना रख लो जिससे तुम्हारी सुरक्षा होगी, उसके बदले में खूब पैसा लेता था, एक प्रकार से समझौता करा लेता था, मजबूर कर देता था सेना रख के राज्य में। अब भैया राज्य में सेना किसकी है? अंग्रेजों की। तो सेना जिसकी होगी रूल वही तो करेगा, इंटरफेयर करेगा। बोलता था कि नहीं, सेना आपकी सुरक्षा के लिए होगी, कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन वो सेना इनडायरेक्टली उस राज्य पर, उस समय जो रियासत थी, राज्य था, उस पर क्या कर रही थी? कंट्रोल कर रही थी। और दूसरा, सेना में खर्चे के लिए तमाम बड़ा चढ़ा के खर्च बताया जाता था, खर्च हुआ मान लो 1 करोड़, बताया 10 करोड़, इस तरीके से एक प्रकार से उस समय वो रियासत जो थी, जो इसकी सहायक संधि में शामिल हुई थी, उनको लूटना इसका पर्पस था, इससे रियासतें क्या हो गई? कमजोर होती चली गई। तो सहायक संधि इसीलिए माना जाता है, सहायक संधि के द्वारा भी इसने ब्रिटिश शासन को बहुत मजबूती प्रदान की। तो सहायक संधि का जनक था कौन भैया? सब्सिडी अलायंस का लॉर्ड बेलेजली। और ये कहता क्या था स्वयं को? लाइन ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, लाइन ऑफ बंगाल किसे कहा जाता था? लाइन मतलब शेर, बंगाल का शेर किसे कहा जाता था? क्लियर है? अगला, इसी के समय चौथा आंगल मैसूर युद्ध होगा 1799 में, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या हो जाएगी? ये लिखा भी है, टीपू सुल्तान की मौत हो जाएगी। इस युद्ध में किसकी मौत हो जाएगी? टीपू सुल्तान की मौत हो जाएगी इस युद्ध में। और ये इस युद्ध के बाद अंग्रेज पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे किसको? मैसूर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके टाइम में फिर क्या होगी? बसीन की ट्रीटी होगी 1802 में मराठों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में, मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के बीच में। एक प्रकार से यहां पर जो पेशवा बाजीराव सेकंड है, आपने सुना होगा, ये पेशवा बाजीराव सेकंड रघुनाथ राव जो चाचा थे, असली पेशवा जो उस समय था उसके चाचा रघुनाथ राव थे, उन रघुनाथ राव से मिलकर अंग्रेजों ने उनके लड़के बाजीराव सेकंड को पेशवा घोषित करवा दिया, और फिर ट्रिटी कर ली इसने अंग्रेजों से, एक प्रकार से इनडायरेक्टली अंग्रेजों के सामने मराठा, उस समय जो मराठा एम्पायर था उसको धोखा दिया इसने अंग्रेजों के साथ मिलके। अगला, इसी के समय सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होगा 1803 से 1805 के बीच में, एंग्लो मतलब अंग्रेजों के बीच और मराठों के बीच। अगला, इसने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया 1800 में, जिसका पर्पस था कि जो आईएएस मतलब उस समय इंडियन आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस, इसके ऑफिसर्स को क्या किया जा सके? ट्रेनिंग के लिए स्थापित किया। अगला,
1799 में इसने पहली बार प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, मतलब अखबार पत्रिकाओं पर सेंसरशिप लगा दी कि जो भी छापा जाएगा वो इसकी मर्जी से छापा जाएगा। सेंसरशिप का मतलब होता है मतलब कंट्रोल कर लेना अखबारों की, जहां अखबार छपते हैं प्रिंटिंग प्रेस पर और पत्रिकाओं पर कंट्रोल कर लेना। तो इसको माना जाता है कि इसने सेंसरशिप को पहली बार इम्पोज किया, तो फादर ऑफ सेंसरशिप कहा जाता है। क्लियर है? तो इस लेक्चर में हमने क्या किया, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कहां तक, लॉर्ड बेलेजली तक। कहां तक भैया? लॉर्ड बेलेजली 1805। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1805 के बाद जो गवर्नर जनरल या वायसराय आगे पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगेगा, वो जो आए हैं गवर्नर जनरल और वायसराय, इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो तेजी से हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर, डिस्कस कर चुके हैं, रॉबर्ट क्लाइव था। अगला, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर भैया बैंसी टाट था, ये सब डिस्कस कर चुका हूं। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेक्टर मुनरो कर रहा था, अंग्रेजी सेना को कौन लीड कर रहा था, हेक्टर मुनरो उनका अधिकारी। इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का गवर्नर, मैंने फिर बोला वापस कौन आ जाएगा, लॉर्ड क्लाइव आ जाएगा। बंगाल में द्वैत शासन जनक, आपको पता है लॉर्ड क्लाइव आंसर है। अगला, बंगाल का अंतिम गवर्नर किसे माना जाता है, पहला गवर्नर जनरल, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैत शासन किसने समाप्त किया, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग ने किया। अगला, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ, बता दो भैया इस समय 84 या 85 तक वॉरेन हेस्टिंग ही तो रहेगा। क्लियर है? ये सब डिस्कस कर चुका हूं इसलिए तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। बाद में किस गवर्नर जनरल के समय 1774 में, तो आपको पता है 1772 से 85 तक कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पहला सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी, चीफ मुख्य न्यायाधीश कौन, एलिजा एम पे, ये सब डिस्कस किया, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा, अभी मैंने लिखवाया था विलियम जोन्स के द्वारा। अगला, बेलेजली की सहायक संधि को अपनाने वाला प्रथम राज्य, पहला राज्य बेलेजली की सहायक संधि अभी मैंने डिस्कस की, और ये पूछ रहा है कौन सा राज्य था जिसने बेलेजली की सहायक संधि को पहली बार, मतलब सबसे पहले अपनाया, आंसर क्या है, हैदराबाद। कब? 1798 में, निजाम है ना, निजाम शासन कर रहे थे इस पे, है ना, हैदराबाद के निजाम, सुना होगा। हैदराबाद के बाद दूसरा नंबर किसका था, मैसूर, 1799 में, पता ही है ना, टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, एंग्लो मैसूर वॉर में, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जब स्थापना हो रही थी, कब, 1784 में, गवर्नर जनरल, अरे बता दो, वॉरेन हेस्टिंग्स। भारतीय लोक सेवा का, इंडियन सिविल सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस किसने, भारतीय लोक सेवा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, अरे बोल दो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किसने किए, लॉर्ड पीरियड ऑफ कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस के समय में ही तो हुए। अगला, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापन करने के किसने शासन में सहायक संधि, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस किसका है, लॉर्ड बेलेजली का। चलो, किस गवर्नर जनरल पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, कौन सा ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसपे क्या चलाया गया भैया, महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, आंसर बताओ भैया, कौन सा, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखना है, एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल जिसकी कब्र भारत में, कॉर्नवालिस है ना, गाजीपुर में, और एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल या वायसराय जिसपे मुकदमा चलाया गया महाभियोग का उसके पद से हटाने के लिए, वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है, गाजीपुर में, अभी मैंने बताया। अगला, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बैटल ऑफ बक्सर कौन लीड कर रहा था, हेक्टर मुनरो। अगला, एंग्लो नेपाली वॉर लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर लॉर्ड बेलेजली। और अगला, लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर ठीक है, बताओ भैया, लॉर्ड बेलेजली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 सही है ये नहीं है,
बिल्कुल सही है, क्योंकि टीपू सुल्तान इसमें मारा गया। अगला लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, अभी हमने देखा सेकंड एंग्लो मराठा वॉर कब होगा, 1803 से 1805 में, तो थर्ड इसके बाद ही तो होगा। और भैया कॉर्नवालिस कब आया है, कॉर्नवालिस आया है 1786 से 93, तो यही तो होगा जो गलत मैच है, बाकी सब ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। लॉर्ड हेस्टिंग्स आगे पढ़ेंगे, जो एंग्लो नेपाल वॉर होगा उसमें हम आगे पढ़ेंगे, सुगौली की संधि भी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, आंसर लगा दो। बाद में सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 1774 में, बताओ भैया कब, रेगुलेटिंग एक्ट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, पिट्स इंडिया एक्ट, ड्वेर की पिट्स इंडिया एक्ट, बोलो भैया आंसर क्लियर है। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है, कहाँ पे हो रहा है, बंगाल में पहली बार स्थापित हुए अंग्रेज, तो कहाँ पे होगा, बंगाल में ही होगा, बोलो भाई। अगला सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में स्थापित किया, मैंने बोला प्लासी का युद्ध तो था, लेकिन प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने मीर जाफर के साथ मिलकर, जो सिराजुद्दौला का क्या था, नवाब सिराजुद्दौला का आर्मी चीफ था, सेनापति था, उसके साथ मिलकर किया, इसीलिए षड्यंत्र पूर्वक जीता था, लेकिन आमने सामने के बैटल में कौन सा जीता उन्होंने, बक्सर का युद्ध जीता 1764 में। तो बक्सर का युद्ध माना जाता है क्या था भैया, निर्णायक साबित हुआ। अगला बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर, डिस्कस कर चुका हूं मैं, और उसके बाद इलाहाबाद की संधि के समय उसका पुत्र नजमुद्दौला। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ, बताओ भैया हैदर अली ने हरा दिया है ना, हैदर अली उस समय शासक था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हरा दिया, पोर्टनोवा के युद्ध में हरा के, उस समय ब्रिटिश हैदर अली मारा गया 1782 में, पोर्टनोवा के युद्ध था और लीड कर रहा था सर आयर कूट, अधिकारी था ब्रिटिश अधिकारी सर आयर कूट। कौन सा युग्म सही नहीं है, हेक्टर मुनरो, इसको हमने डिस्कस कर लिया, दोबारा आ गया, आंसर कौन सा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके प्रशासन में स्थाई परमानेंट सेटलमेंट, अभी मैंने पढ़ाया लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए आगे बढ़िए, स्थाई बंदोबस्त किसके साथ शुरू किया गया, आपको पता है कौन, जमींदारी प्रथा, इसी को तो बोला था मैंने लैंड होल्डर्स, बड़े बड़े लैंड होल्डर्स ने, लैंड लॉर्ड्स ने या लैंड होल्डर्स ने क्या किया, कब्जा कर लिया जमीन को, किसानों से जमीन को छीन लिया था इस व्यवस्था के अंतर्गत, परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत। अगला लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थाई बंदोबस्त कब शुरू किया, आंसर 93 में। अगला सिविल सर्विस का जन्मदाता, फादर ऑफ पुलिस रिफॉर्म से लेके हर चीज का जन्मदाता कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला चलिए मैच द कॉलम करना है, कौन सा सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस चार्टर एक्ट आया नहीं, जॉन सोर के समय आया, परमानेंट सेटलमेंट किसके टाइम पे आया, इसके टाइम पे आया, और वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे पिट्स इंडिया एक्ट आया नहीं, आया सॉरी आया 1784 याद करो। तो कौन सा आंसर सही है, एक ही आंसर सही है, ओनली 3। अगला किसके टाइम में क्या क्या हुआ है ना, चलिए क्या करना है हमें, कौन सा सही सुमेलित है ये देखना है। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय घेरे की नीति, घेरे की नीति एनसर्किलमेंट या रिंग ऑफ फेंस कहते हैं इसे, रिंग ऑफ फेंस, मतलब जो, चूंकि इस समय अंग्रेज बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थे, तो जिन राज्यों को जिन क्षेत्रों को अंग्रेजों ने कब्जा लिया था उनको बना के रखना था, तो उसके आसपास के जो उस समय के शासक थे उनसे क्या कर रहे थे, ये अच्छे संबंध डेवलप कर रहे थे, उनसे ट्रीटी कर रहे थे, जैसे 1765 की इलाहाबाद की ट्रीटी करेंगे, सेकंड इलाहाबाद की ट्रीटी क्या होगी 1765 में, क्लाइव करेगा किससे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला से। तो रिंग ऑफ फेंस वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, बेलेजली से संबंधित है, सब्सिडरी अलायंस ये हमने पढ़ा अभी, सहायक संधि नीति। और डलहौजी आगे पढ़ेंगे, डलहौजी थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति जिसने कई राज्यों को हड़पा, ये आगे पढ़ेंगे, तो ये दोनों गलत हैं मैच, तो एक ही गलत सही है, आंसर हो जाएगा क्या, बन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल डिस्कस कर दिया, विलियम जोन्स। ब्रिटिश भारत का कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, बता दो भैया लॉर्ड, बता दो भाई कौन सा है,
डलहौजी कॉर्नवालिस बेलेजली, बोलो बंगाल का शेर अभी हमने पढ़ा बेलेजली, किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर पहली सेंसरशिप अभी हमने पढ़ा बेलेजली। अगला 1793 में जो चार्टर एक्ट आया मैंने अभी बताया जॉन शोर, क्लियर है चार्टर एक्ट क्या था क्यों आया ये भी बता दिया किसके द्वारा, विलियम जोन्स, ये कई बार रिपीट हो गया मिस प्रिंट हुआ है। चलिए तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया। तो आज के लेक्चर में हमने लगभग हमने पढ़ा लॉर्ड क्लाइव से लेकर लॉर्ड बेलेजली तक और उससे संबंधित 37 क्वेश्चन, लगभग एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो 35 क्वेश्चन को हमने क्या किया डिस्कस किया। क्लियर है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको हिस्ट्री से आपने रिलेट की होंगी, बहुत अच्छे से समझा होगा, हिस्ट्री को कहानी की तरह समझा होगा और हमेशा याद रखोगे ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगला लेक्चर में हम लॉर्ड बेलेजली से आगे बढ़ेंगे और हिस्ट्री के दूसरे क्वेश्चन को दूसरे सेगमेंट को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, थैंक यू वेरी मच। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम इस सीरीज़ को बहुत तेज़ी से आपके लिए आगे बढ़ाते रहेंगे। जीएस के सारे सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक कवर करेंगे क्वेश्चंस के साथ। आपका सपोर्ट चाहिए, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद दोस्तों।